हेलो जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। की हाल तुहाडे सारे दा जी? तुहानू बहुत सारे प्यार नाल दिलों खुशी रहा स्वागत, वेलकम, खुश आमदीद प्रीत बानी रिएक्ट्स ते। जोश देख रहे हो? नहीं, जोश नहीं, प्यार है बहुत सारा, हंस दो जोश बहुत सारा, बहुत सारा। ते गाइस, असी जो है पूरा मंथ तुहाडे नाल इंजॉय कर रहे हैं एंड आई थिंक सानू जिनी जिनी नॉलेज मिल रही है वो साडे लई बहुत ही बेहतर है, क्योंकि तुहाडे बारे बहुत कुछ जानन नू मिल रहा है, एक एक चीज़ बारीकी नाल सानू समझण नू मिल रही है। स्टूडेंट बन के बैठे हुए हैं, ठीक है। आई थिंक ए वन ऑफ द बेस्ट नॉलेजेबल वीडियो होगी, क्योंकि विच इज वेरी बहुत कॉमन चीज़ है ना, कि नमाज सब तो वड्डी चीज़ है मुसलमाना लई, ते अज ओदे बारे पजाणन नू मिलेगा, दूजे पासे मिलदा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, पूरी देखना। एक मिनट, ते ए वीडियो है ये रमशा सुल्तान जी दे चैनल तो, ते असी उन्हां दा वीडियो दा डिस्क्रिप्शन जो है और चैनल दा नाम डिस्क्रिप्शन च पा देंगे, प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करियो। और सब तो वधिया गल है कि ए वीडियो नॉन मुस्लिम्स लई है, जेदा मतलब उन्हां लई वी है, हाँ उन्हां लई वी है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लई लैंग्वेज विच नहीं। तो छेती छेती कर दो वीडियो नु स्टार्ट। قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है और आज मैं आपको बताऊंगी कि नमाज क्या होती है, मुस्लिम्स नमाज क्यों पढ़ते हैं, इसका एक जनरल ओवरव्यू मिलेगा आपको इस वीडियो में। लेट्स बिगिन। नमाज एक इबादत का तरीका है, इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। इसमें हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं एंड अल्लाह से डायरेक्ट बातचीत करते हैं। सो इट्स ऑल्सो लाइक अ मेडिटेशन एंड अ डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड। 5 बार नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज है। पहली नमाज सूरज निकलने से पहले पढ़ी जाती है, जिसे फज्र की नमाज कहते हैं। दूसरी नमाज दोपहर के वक्त पढ़ी जाती है, जिसे जोहर की नमाज कहते हैं। तीसरी नमाज शाम के वक्त पढ़ी जाती है, जिसे असर की नमाज कहते हैं। चौथी नमाज सूरज गुरूब होने के बाद पढ़ी जाती है, जिसे मगरिब की नमाज कहते हैं। और आखिरी 5वीं नमाज रात के वक्त पढ़ी जाती है, जिसे ईशा की नमाज कहते हैं। हर नमाज का एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर वो नमाज पढ़नी होती है, उसके बाद दूसरी नमाज का टाइम शुरू हो जाता है। तो अगर उस वक्त में नमाज नहीं पढ़ी गई तो उसका टाइम खत्म हो जाता है और उसके बाद वो नमाज नहीं पढ़ सकते, वो मिस हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि उसी टाइम फ्रेम के अंदर वो नमाज पढ़ी जाए। आपने मस्जिदों से आती हुई अजान को तो सुना ही होगा। अजान इज बेसिकली अ कॉल टू प्रेयर, जिसमें अनाउंस होता है कि नमाज का टाइम हो चुका है और नमाज पढ़ने आओ। जिस तरीके से नमाज दिन में 5 बार होती है, 5 बार अजान भी होती है, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि अब इस नमाज का वक्त हो चुका है। नमाज पढ़ने से पहले वुजू करना जरूरी है। वुजू में बेसिकली आपको अपने हाथ, मुंह और पैर को धोना होता है। कभी आपने पब्लिक वॉशरूम्स में देखा होगा कि कोई मुस्लिम मुंह धो रहा है, हाथ धो रहा है अपने, और लिटरली अपने पैर धो रहा है वॉश बेसिन में डालकर। सो प्लीज डू नॉट फील ऑकवर्ड, ये करना जरूरी है नमाज पढ़ने से पहले। सो इफ यू सी अ मुस्लिम लाइक दैट, प्लीज अंडरस्टैंड कि नमाज का वक्त हो चुका है और उसे नमाज पढ़नी है। नमाज अरबिक लैंग्वेज में पढ़ी जाती है, जिसके अंदर कुरान पढ़ा जाता है। कुरान अल्लाह की किताब है और इसके अंदर जिंदगी जीने का तरीका बताया गया है। तो जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं और कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, तो इट इज अ रिमाइंडर टू अस कि जिंदगी कैसे बसर करनी है, अच्छी चीजें करनी है, बुरे कामों से दूर रहना है। तो इट इज अ रिमाइंडर टू अस 5 टाइम्स अ डे एवरी सिंगल डे ऑफ लाइफ। इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो कि ये बताता है कि आपको अपने रब से बात करने के लिए किसी भी मिडिल पर्सन या किसी भी सोर्स की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपने अल्लाह से बात कर सकते हैं और नमाज अल्लाह से बात करने का तरीका है। अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊं तो बेसिकली मुस्लिम्स नमाज में अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं सारी नेमतों के लिए जो अल्लाह ने हमें दी, और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। जाने अनजाने हर इंसान से गुनाह हो जाते हैं, तो हम ये यकीन करते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा माफ करने वाला है। तो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत किस्म की दुआएं मांगते हैं हम अल्लाह से और ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करेगा। आपने मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए देखा होगा और ये भी देखा होगा कि वो कुछ तरीके की उठक बैठक कर रहे हैं। बेसिकली वो उठक बैठक नहीं होती, नमाज की मेन चार पोजीशंस होती हैं जिसमें सबसे पहले मुसलमान अल्लाह के सामने खड़े होते हैं एंड आपने देखा होगा कि वो बहुत ही ज्यादा अदब के साथ खड़े होते हैं। इसका एग्जाम्पल इससे दिया जाता है कि पहले जमाने में जब बादशाह होते थे तो जितने भी दरबारी होते थे वो बहुत अदब से उस बादशाह के सामने खड़े होते थे। तो हम तो ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह इस पूरी कायनात का बादशाह है और उसके सामने हम बहुत अदब से खड़े होते हैं और नमाज शुरू करते हैं। फिर हम रुकू करते हैं। रुकू इज लाइक गोइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ अल्लाह। अल्लाह के सामने हम झुक जाते हैं। इंसान इतना हम्बल हो जाता है कि वो झुक जाता है अपने खुदा के आगे। फिर आती है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खूबसूरत पोजीशन, वो है सजदा। सजदा इज द अल्टीमेट सबमिशन टू अल्लाह। इंसान अपने जिस्म का सबसे ऊंचा हिस्सा जमीन के सबसे नीचे हिस्से पर डाल देता है और सजदा करता है अल्लाह पर जो इस पूरी कायनात का रब है। मुस्लिम्स सिवाय अल्लाह के और किसी को सजदा नहीं करते क्योंकि हम ये यकीन रखते हैं कि और कोई इस लायक नहीं है कि उसे सजदा किया जाए। और लास्टली बैठकर सलाम फेरा जाता है दोनों कंधों पर, जिसके बाद नमाज कंप्लीट हो जाती है। नमाज बेसिकली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही पढ़ी जाती है जिसे क़िबला कहते हैं। नमाज पढ़ने का एक ड्रेस कोड होता है, आपको डिसेंटली कवर्ड होना चाहिए नमाज पढ़ने के लिए। तभी आपने देखा होगा जब नमाज पढ़नी होती है तो मुस्लिम लेडीज दुपट्टा ओढ़ लेती हैं या जो जेंट्स हैं वो टोपी लगा लेते हैं, बिकॉज नमाज में खड़े होने से पहले एक डिसेंट ड्रेस कोड होना जरूरी है। दिन में 5 बार नमाज पढ़ना हर मुस्लिम पर फर्ज है। कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। नमाज पढ़नी है तो पढ़नी है। ओनली इन सर्टेन सिचुएशंस एग्जेम्प्ट होता है नमाज पढ़ना। एंड इफ यू वांट टू नो इन डिटेल उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। चाहे आप ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, मार्केट में हो, स्कूल में हो, अगर नमाज का वक्त हो गया है तो नमाज पढ़नी है, बिकॉज वी बिलीव के नमाज और अल्लाह टॉप प्रायोरिटी है और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं। तो अगर आपसे कभी भी कोई मुस्लिम नमाज पढ़ने की परमिशन मांगे या कोई जगह मांगे तो प्लीज उनकी मदद कर दिएगा, स्पेशली मुस्लिम लेडीज को, क्योंकि नमाज पढ़ना हर हाल में बहुत जरूरी है। जुमे की नमाज या फ्राइडे प्रेयर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जनरली जो लोग नमाज नहीं भी पढ़ते हैं फ्राइडे के दिन वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जरूर जाते हैं, बिकॉज फ्राइडे का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जुमे की नमाज पढ़ने जाना बहुत ज्यादा जरूरी है मुस्लिम मर्दों के लिए। लेडीज अपने घर में ही नमाज पढ़ सकती हैं और वर्ल्ड की काफी सारी मस्जिदों में लेडीज भी जाती हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने। औरतों के लिए जरूरी नहीं है मस्जिद में नमाज पढ़ना, पर आदमियों के लिए बहुत जरूरी है कि वो खास तौर से जुमे की नमाज मस्जिद में ही पढ़े। आपने कभी मुस्लिम्स को एक साथ नमाज पढ़ते हुए देखा है? अगर देखा है तो इस बात की खूबसूरती आपको जरूर नोटिस करनी चाहिए कि चाहे इंसान अमीर हो या गरीब, काला हो या गोरा, किसी भी कंट्री का हो, किसी भी एथनिसिटी का हो, कोई भी उसकी कास्ट हो, हर कोई एक लाइन में कंधे से कंधा मिलाकर एक बराबर होकर अल्लाह के सामने झुकते हैं। हर इंसान अल्लाह के सामने एक है। इस्लाम रेसिज्म, कास्टिज्म नहीं सिखाता, इस्लाम सिर्फ और सिर्फ यूनिटी सिखाता है। नमाज पढ़ने से जिंदगी में डिसिप्लिन आता है और ईमान मजबूत होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, नमाज इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। नमाज पढ़ने से बेहतरीन सुकून मिलता है और सब्र मिलता है। हर किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती, हर कोई कोई ना कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है, तो नमाज पढ़ने से इंसान रीफोकस होता है कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो चली जाएगी अगर हम उस पर सब्र करें। और अल्टीमेटली अल्लाह से हम दुआ मांगते हैं क्योंकि अल्लाह ही है जो हमारी सारी दुआएं कबूल कर सकता है, हमारी सारी परेशानियों को खत्म कर सकता है। तो इंसान रीफोकस हो जाता है नमाज पढ़ के। नमाज पढ़ने के रूहानी यानी स्पिरिचुअल बेनिफिट्स तो हैं ही, इसके साथ साथ नमाज पढ़ने के फिजिकल बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नमाज पढ़ने से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारी बॉडी की अर्थिंग होती है। नमाज पढ़ने से दिल को फायदा पहुंचता है, हमारे दिमाग को फायदा पहुंचता है, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर मैं ये हर चीज डिटेल में बताने चलूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं काफी सारी वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं और आप हैरान हो जाएंगे कि नमाज पढ़ने के फिजिकल बेनिफिट्स कितने सारे हैं। नमाज दीन का सुतून है, यानी इट्स लाइक अ पिलर। पिलर के बगैर बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती। तो अगर कोई मुस्लिम है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है नमाज पढ़ना अपना दीन कायम रखने के लिए। नमाज की खूबसूरती सऊदी अरेबियन कंट्रीज, स्पेशली मक्का और मदीना में देखने को मिलती है। जब नमाज का टाइम होता है तो सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, सारे मॉल्स बंद हो जाते हैं, कोई भी दुकान पे या तो शॉपकीपर हो या कस्टमर हो, सब के सब नमाज पढ़ने चले जाते हैं और ये नहीं सोचते कि अरे भाई मेरा कस्टमर आया हुआ है, मेरा कोई नुकसान हो जाएगा। नहीं, हम ये यकीन रखते हैं कि नफ़ा और नुकसान अल्लाह के हाथ में है और जब अल्लाह खुद कामयाबी की तरफ बुला रहा है तो उससे बड़ी कामयाबी और क्या होगी। तो नमाज इज लाइक अ मिनी ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। आप नमाज पढ़िए, रिकनेक्ट विद योर लॉर्ड एंड उसके बाद यू कैन कंटिन्यू डूइंग व्हाट एवर यू वर डूइंग। मुस्लिम्स कयामत के दिन पर यकीन रखते हैं, जिस दिन इंसान को अपने हर अमल का हिसाब किताब देना होगा और कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि नमाज का खास ख्याल रखा जाए। तो नमाज एक बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन है एक बंदे और अल्लाह के बीच, अल्लाह जो पूरी कायनात का मालिक है। And that's it for the video। और क्योंकि आपने मेरा वीडियो एंड तक देखा है, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है। इस रमजान मैं दे रही हूँ ये बहुत ही खूबसूरत वुडन फ्रेम्स, जिसपे आप अपनी मर्जी के कोई भी कोट्स प्रिंट करा सकते हैं। 3 लकी विनर्स ये फ्रेम्स जीत सकते हैं और फुल्ली कस्टमाइज करवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये गिव अवे जीतने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। ठीक है जी, कर देना जे इनाम जितने थे। गल करते हैं हम वीडियो की। बई अखा ही खुलदी जा रही, अखा ही खुलदी जा रही, रोज़ शटर खुल जाते हैं, रोज़ शटर खुल जाते हैं। जो जो चीज़ा मैनू बहुत अच्छिया लगती है इस्लाम बारे, मैं उन्होंने गल कराँगा। पहला सब तो पहला तो जदों मस्जिद के अजान होंदी है, ओहो बई वो जो कन्ना च पैंदी है, जो सुकून मिलता है ना, वो भावें घर बैठे हो भावें किते हो, जो तुहाडे आले दुआले किते मस्जिद हैगी है या किते है ना, इदां करके तुहाडे कन्नां च अजान पैंदी है, वो सब तो रिलैक्सिंग सूदिंग कन्नां वास्ते ते बड़ा एक स्ट्रैस घटाउण वाला एक वो हुंदा पहला। दूजा मैं देखिया कि इत्थे मेलबर्न दे विच गल कर रहे हैं कि जो उन्होंने कहा है कि नमाज पढ़नी चाहिए है तो उस टाइम के अंदर ही पढ़नी चाहिए है ना, तो वो पढ़नी जरूरी भी है, जरूरी भी है। तो मैं देखिया है कि जिहड़े इत्थे साडे मुस्लिम भरा हैगे ने मेलबर्न दे विच आस्ट्रेलिया दे विच, जेड़े कोई गड्डियाँ चलाता, कोई टैक्सी चला रहा, कोई कुछ चला रहा, कोई कितने भी है, वो कितने भी होन, वो भावें रोड पर भी होन, रोड साइड बैठ के अपनी नमाज अदा करते हैं। मैं ये भी देखा है तो इस चीज़ की खूबसूरती इस तो वध की होएगी। इस तो ज़्यादा इंपोर्टेंस कोई किदा दस सकता है कि जो बंदा सड़क पर एक कॉर्नर से लाइक नॉट सड़क पर एक साइड से पेडेस्ट्रीयन के साइड से बैठ के अपने थले कपड़ा विछा के वो उत्ते बैठ के अपना नमाज अदा कर रहे हैं, तो इस तो ज़्यादा खूबसूरती की होएगी इस चीज़ की। ये चीज़ा मैं इतने अखी देखिया ने, तो मतलब जेडे प्रॉपरली फॉलो करते हैं इस चीज़ में, उन्होंने जिन्हों का ईमान कायम है, बहुत अच्छी गल है, करनी चाहिए है। और ये सारी चीज़ा मैं देखिया हुई इतने ना, तो देख के बहुत अच्छा लगता कि यस लोग फॉलो करने वाले भी है ने। इदा ही साढ़े धर्म भी है कि कुछ फुल तरीके ना फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते, बट जो फॉलो करते हैं पूरे तरीके ना फॉलो करते हैं, क्योंकि ड्यूटियां दित्तियां हुई रब ने कि भाई तुसी ये करनी है, बट वो साढ़े उत्ते है, साढ़े उत्ते नहीं है, हुण बंदा हुण करदा नहीं करदा है ना। ओ चलो इंडिविजुअल परस्पेक्टिव हो गया कि किन्ने किन्ना फॉलो करना होंदा, किन्ना नहीं फॉलो करना होंदा, किन्ने किन्ना कट्टर बनना होंदा, किन्ने किन्ना कट्टर नहीं बनना होंदा। सब तो पहली गल जो अजान बारे इन्होंने गल की, मैं जिथे रहनी हाँ इंडिया दे विच, मेरे घर तो छे वखरी जो है अजाना सुनाई देंदियां ने इकट्ठियां इको टाइम ते जदों मतलब पंज टाइम अजान होंदी है ते पंजे टाइम छेवां थावां ते इकट्ठियां आवाज आंदी है मेरे घर तो मतलब इन्ने सोहने तरीके नाल जो है सुनाई देंदा है ते इन्नी मतलब एक कह लो रूह नू प्लेजेंट फील कराना और पीसफुल फील कराना आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं स्पेशल टेरेस ते जांदी हुंदी सी सुनन वास्ते उदों असीं स्कूल कॉलेज पढ़दे सीगे। तो नैक्सट मैं गल करांगी कि जिहड़ा उन्होंने व्यू मक्का मदीना का दिखाया, सारे यूनिफॉर्मली खड़े ने, उत्थे कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई वड्डा नहीं, सारे रब दे बंदे, सारे इक्को ने ते कट्ठे भरा बन के कट्ठे भरा बन के जो है सारे इक्को लाइन दे विच। और इन्ना और यूनिफॉर्म इस करके लगता है क्योंकि सारे कट्ठे ने एंड सारे अपनी होर बाकी सारी जिन्नी चीज़ां ने जिन्नियां पर्सनल मुसीबतां ने या प्रॉब्लम्स ने या एक दूजे नाल वैर है उन्होंने सारे भुला के एकजुट हो के जो है वो नमाज अदा करते हैं उत्थे। एंड आई थिंक इन्होंने बहुत सोहने तरीके नाल एक्सप्लेन किया लेमैन लैंग्वेज दे विच पांच टाइम करनी चाहिए क्योंकि जदों तुसीं एक टाइम एक चीज़ नूं प्रैक्टिस कर रहे हो एक टाइम दिन दे विच। एक नॉर्मल आपां कोई एग्जाम्पल लै लैने कि तुसीं एक कहा कि भाई एक टाइम मैं सवेरे एक्सरसाइज करनी है ना, तो तुम रोज़ कर लग जाओ तो तुहाडा रूटीन बन जाएगा, तुम रोज़ कर लग जाओगे। सोचो तुम उस एक्सरसाइज नूं 5 बारी कर रहे हो दिने ते रोज़ कर रहे हो। पहली गल तो फायदा देखो, उसदा फायदा कितना ज़्यादा होएगा। बिल्कुल। दूजा तुहाडा इहो जिहा रूटीन बन जाएगा कि तुम चाह के भी नहीं तोड़ोगे उन्हें, क्योंकि एक रूटीन बन जाता तो ना फिर तुम्हें जो चीज़ ना करो फिर वो खटकती रहती है बैक ऑफ योर माइंड कि यार मैं किता नहीं। बट जो थोड़ा इस तरीके का रूटीन बन जाएगा कि दिन के 5 टाइम नमाज पढ़नी है तो रोज़ पढ़नी है, फिर तुम कदे नहीं छोड़ोगे, है ना। मैं तो वो फिर सीखिया तो बंदे के दिमाग के कितना ज़्यादा वो होएगा ना, कितना काम हो जाएगा, बंदा सुकून भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा, सुकून कितना सब्र मिलता है, ताही ये कहते हैं नेगेटिविटी तो दूर हो जाएगा। एंड आई थिंक उन्होंने बहुत स्वीटली उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो थोड़ा शॉर्ट ब्रेक जो होंदा कि तुसी दुनियादारी तो अपने आप को कट ऑफ करके, फोन तो सोशल मीडिया तो सारी थावां तो अपने आप को जो है कट ऑफ करके जेडे तुहाडे 10 मिनट या 15 मिनट तुसी जेडे स्पेंड करने स्पिरिचुअली वो तुसी डायरेक्टली जो है वो रब नाल कनैक्ट करदे हो और तुहानूं इटरनल और इंटरनल सुख जो है वो दोनों मिलता है। एंड आई थिंक वो बहुत वधिया तरीके नाल उन्होंने सिंपल लैंग्वेज दे विच साडे समझण वास्ते एक्सप्लेन किया तो बड़ा अच्छा लग्या सुन के। एंड साडे जेडे भरा इंडिया तो वीडियो साडी देखते ने ते उन्हां वास्ते भी बहुत हेल्पफुल वीडियो। बिल्कुल। एंड मैं सिर्फ यही कहांगी कि असी रोज़ जिन्नी वीडियोज़ बना रहे हैं, जिन्नी सानू नॉलेज मिल रही है, सानू बहुत खुशी महसूस हो रही है कि असी इन्ना ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं, इन्नियां ज़्यादा गल्लां कर पा रहे हैं और इन्ना ज़्यादा समझ पा रहे हैं। रमज़ान तो बाद ना आपां एक एक्सपीरियंस तरीके नाल तुहाडे नाल गल्लां करांगे, जो तुसीं गल्लां करोगे साडे खाने पै जाणगियां सारियां। ते उस तो बाद ना असी एक सोचे कि एक ना उर्दू कंपटीशन रखांगे, उर्दू वर्ड कंपटीशन। असी वर्ड्स लेके आवांगे डिफरेंट उर्दू दे, तुसी भेजने हैं, ठीक है, तुसी वर्ड्स भेजना, लिस्ट ऑफ वर्ड भेजना, फिर असी चेक करांगे, फिर असी वीडियो लेके आवांगे, फिर असी देखांगे कि किन्ने दा मीनिंग इहनू पता, किन्ने दा मैनू पता, फिर देखदे मीनिंग दसना है, मीनिंग की इस मतलब इस वर्ड दा की मतलब है, फिर असी देखदे कि साडी किन्नी प्रैक्टिस हुई है। बिल्कुल। ते सानू भी उस मुकाम तक पहुंचण वास्ते जरूर टाइम लगेगा ते साडे नाल 30 दिन जो है तुसी भी कोऑपरेट करना है। ऐ नहीं कहना कि फिर नहीं आता है नहीं आता, बट साढ़े नाल भी कोऑपरेट करना है। तो होप करते गाइस कि तुहानू ए वाली वीडियो भी जरूर अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ तुसी भी साड़ी वीडियो एंड तक देखी, सानू दोनों नू देखिया, बर्दाश्त किया, सुनिया साड़िया गल्लां, उहदे लई तुहानू सारियां नू दिलों थैंक यू। तो होप करते गाइस कि तुहानू ए वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ तुसी जे कोई होर वीडियो मतलब असी हुण जे ओवरऑल देखिए तो असी रमदान की हुंदा है, फास्टिंग क्यों करते हैं, नमाज का मतलब की होंदा है या अजान का मतलब की होंदा है, रमज़ान और रोज़ा की होंदा है, उहदे बारे असी हुण जान लिया। ते होर असी की मतलब जो है मतलब नॉलेज गेन कर सकते हैं, है ना, स्पेसिफिक टू मक्का मदीना हो गया या कोई होर चीज़ होगी, प्लीज़ उसका लिंक जरूर शेयर कर दिओ ते असी वो भी बना के जो है अपने नॉलेज नू होर इंप्रूव करांगे। ते अपना ध्यान रखो, खुश रहो, सेहतमंद रहो, तंदुरुस्त रहो, दुआवां सानू याद रखो, असी तुहानू याद रखांगे। दिओ इजाज़त प्रीत बानी नू ते तद तक लई सत श्री अकाल ते खुदा हाफिज़।